डायगोनल ऐसे यहाँ पे पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, सो दैट नंबर वन इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, नंबर टू ए बी सी डी इज ए रंबस, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो हमें दिखाना है, सिद्ध करना है, नंबर वन यह एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, नंबर टू ए बी सी डी एक रंबस है, समचतुर्भुज है। गिवन गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रंबस एंड डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। टू प्रूव नंबर वन इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। प्रूफ सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, अल्टरनेट एंगल्स। सिंस ए सी बाइसेक्ट एंगल ए देयरफॉर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। फ्रॉम वन टू एंड थ्री एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिंस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, वन इज इक्वल टू एंगल फोर, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। देयर फोर सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, देयर फोर ए डी इज इक्वल टू डी सी। फ्रॉम फाइव सिक्स एंड सेवन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। इस प्रकार चारों साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर इट इज रंबस। प्रूव्ड। क्वेश्चन सेवन ए बी सी डी इज ए रंबस सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए
as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। हमें सिद्ध करना है कि डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को विभाजित करता है तथा डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को भी समद्विभाजित करता है। गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए रोम्बस। टू प्रूव, नंबर वन, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। नंबर टू, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। प्रूफ, इन ट्रायंगल ADC, सिंस AD इज इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Angles opposite to equal sides are equal. Similarly, in triangle ABC, angle 3 is equal to angle 4. ABCD is a rhombus. Therefore, it is parallelogram also. Therefore, AB parallel to DC and AC is transversal. Therefore, angle 1 is equal to angle 4. Alternate angles. From 1, 2 and 3, angle A1 is equal to angle 2, is equal to angle 3, equal to angle 4. Angle 1 is equal to angle 3 implies AC bisect angle A. Angle 2 is equal to angle 4 implies AC bisect angle C. First part proved. Similarly, BD diagonal draw करके ठीक ऐसे ही second part prove कर सकते हैं। Second part proved.